ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को और स्वयं साईनाथ महाराज को श्रीमद् भागवत बृहत सचित सुख सागर के तृतीय स्कंध का 29वां अध्याय साईनाथ की द्वारका माई में बाबा जी को सुनाने जा रहे हैं। तो आप भी इस महाग्रंथ का प्रायण जरूर सुने ताकि आपके जीवन में आ रहे कष्टों को साईं बाबा और भगवान वासुदेव जी खत्म करें, दूर करें। साथ ही आप सभी कमेंट करके अपना नाम डेट ऑफ बर्थ जरूर लिखें ताकि आपकी भी परेशानियां साईं बाबा की द्वारका माई में जल रही अखंड धुनी में जलकर खत्म हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर बोले। भक्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही सुंदर वीडियो आपको प्रतिदिन प्राप्त होते रहें। आज की इस वीडियो में हम सुनाने जा रहे हैं यमदूत द्वारा पापी जीवों को यमराज के पास ले जाने का वर्णन इस पावन कथा में किया गया है। मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर जी, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही पावन कथा है जो आपके जीवन में कष्टों को दूर कर सकती है। मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर जी, इतनी कथा सुनकर देवहूति बोली कि हे प्रभु, मृत्यु के पश्चात मनुष्य का क्या हाल होता है और यह बताने की कृपा करें। श्री कपिल देव जी ने क्या कहा कि हे माता, इन सब कष्टों के उपरांत यमराज के दूत उस जीव को यम पास में बांधकर लोहे के मुद्गरों से पीटते हुए यमराजपुरी के स्वामी यमराज के पास ले जाते हैं और यमपुरी में इस मृत्युलोक से 99,000 योजन की दूरी पर मार्ग में जब जीव को भूख प्यास लगती है तब वह अपने द्वारा किए हुए पापों का स्मरण कर बहुत पछताता है और यमपुरी के मार्ग की पृथ्वी अग्नि के समान जलती है और उस पृथ्वी पे नंगे पांव, नंगे शरीर चलने के कारण जब वह व्याकुल और थकित होकर कहीं विश्राम लेना चाहता है और अथवा मार्ग में अंधकार होने के कारण वह ठिटक कर रह जाता है, तो उस समय यम के दूत उसे अपने मुद्गरों से खूब मारते हैं और एक क्षण को भी विश्राम नहीं लेने देते। जिस प्रकार संसार में कुकर्म करने वालों को राजाओं द्वारा दंड दिया जाता है, उसी प्रकार पाप करने वाला व्यक्ति उस यमपुरी में पहुंचकर अपने पापों का दंड प्राप्त करता है। हे श्री नारायण जी की माया से प्राप्त यह सभी श्री नारायण जी की माया से प्रेरित हो वह अपने उस अंगुष्ट प्रमाण शरीर को भी अपना मृत्यु लोक का शरीर ही समझता है और उस समय वह अपने परिवार वालों और सेवकों को बार बार स्मरण कर पीछे फिर कर इस आशय से देखता है कि उनमें से कोई मेरी सहायता करने के लिए आ रहा है अथवा नहीं। जब उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता उस समय वह बहुत पछताता है और उस समय यमराज का आदेश सुन चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं। तदंतर जिस प्राणी के लिए जितने समय तक जिस नरक में रखकर दंड देना होता है उसे उसी नरक में भेज देते हैं। नरक में पहुंचकर वह प्राणी बहुत कष्ट भोगता है। पुनः नरक का समय पूरा होने पर उसे वहां से निकलकर भूत प्रेतादि की अपवित्र योनि में जन्म लेना पड़ता है। वहां वह सदा रोग ग्रस्त रहता है और एक क्षण भी उसे सुख नहीं मिलता। इस प्रकार 84 लाख योनियों के चक्कर काटने के बाद हमें पुनः मनुष्य का देह प्राप्त होता है। इस प्रकार हे माता, यह मनुष्य योनि प्राप्त होना अत्यंत ही दुर्लभ है। तो भक्तों, हमें जो ये जन्म मिला है ये बहुत ही पावन है और हम 84 लाख योनियों को भोगने के बाद इस जन्म को प्राप्त करते हैं। तो अपने जन्म के कर्मों को सार्थक कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए ताकि आपका जीवन सफल रहे, सार्थक रहे और आपको अच्छी योनि प्राप्त हो।
भक्तों, आपको ये पावन कथा कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आप सभी ने अगर अभी तक इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कीजिए, ताकि आपके द्वारा ज्वाइन किए गए रकम से बाबा का दरबार संचालित होता रहे। मिलेंगे अगली बार ऐसे ही खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साईं बाबा की कृपा आप पर बनी रहे और भगवान वासुदेव सदा आपके कष्टों को दूर करे। एक मिनट के लिए भगवान वासुदेव जी का स्मरण आप सभी हमारे साथ मिलकर जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी भी इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करें, साईं बाबा और भगवान वासुदेव की कृपा से आपके सारे कष्ट खत्म होंगे। तो चलिए मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। दो दिन की है जिंदगी, सबको है जाना, खुशी खुशी आए हैं, खुशी खुशी यहाँ जाना, मनाए खुशियाँ, सब साथ में रहें। धन्यवाद। ओम शनि।